नमस्कार, मैं अंशिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न, 58 सीटों पर डाले गए वोट। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। छठे चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोट डाले गए। इनमें दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। छठे चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनोज तिवारी, मेनका गांधी, महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर वोट डाले गए उनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही शामिल हैं। विदेश मंत्री जयशंकर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीएम केजरीवाल ने किया मतदान, लोगों से भी की वोट डालने की अपील। विदेश मंत्री एस जयशंकर नई दिल्ली में मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। घर वापस आकर जब उन्होंने दोबारा चेक किया तो पता चला कि उनका पोलिंग बूथ दूसरा है। फिर सही बूथ पर जाकर उन्होंने वोट डाला। नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस की ओर से विदेश मंत्री को पोलिंग स्टेशन पर पहले पुरुष मतदाता बनने पर सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मतदान करने पहुंचे। मतदान के बाद राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ सेल्फी लेते नजर आए। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मतदान किया और लोगों से भी मतदान की अपील की। मतदान के बीच सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर पहुंची पुलिस, सपा ने जारी किया वीडियो। यूपी के अंबेडकर नगर में मतदान के बीच समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा ने आरोप लगाया कि अंबेडकर नगर से पार्टी प्रत्याशी लालजी वर्मा को घर में नजरबंद कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा कि सूचना है कि अंबेडकर नगर से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर योगी सरकार के इशारे पर पुलिस ने पहुंचकर प्रत्याशी को नजरबंद किया है और मतदान करने से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को रोका जा रहा है। बताएं कि ये किस नियम के तहत पुलिस कर रही है और क्या यही आपकी निष्पक्षता है। इसके साथ ही सपा ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि पार्टी प्रत्याशी लालजी वर्मा को सत्ता पक्ष के इशारे पर प्रशासन ने नजरबंद कर लिया है। चुनाव आयोग इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेकर उन्हें मुक्ति दिलाए। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट, 10 लोगों की जान गई, कई घायल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा स्थित राज्य की सबसे बड़ी बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड की जिस बारूद फैक्ट्री में सुबह ब्लास्ट हुआ वह बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के ग्राम पिरदा में स्थित है। बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। हादसा इतना भयंकर था कि कई लोग मलबे में फंस गए। आज से नॉर्थ पास शुरू, दिल्ली समेत कई राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट। भीषण गर्मी के बीच आज से नॉर्थ पास शुरू हो गया है जो 2 जून तक चलेगा। इस दिन सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और माना जाता है कि इन दिनों ज्यादा गर्मी पड़ती है। रोहिणी नक्षत्र में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिससे पृथ्वी पर सूर्य की किरणों की तपिश अधिक तीव्र हो जाती है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हीट वेव के लिए रेड अलर्ट के साथ भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की संभावना जताई गई है। आगामी 27 मई तक जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों और उत्तर प्रदेश में लू चलने की आशंका जताई गई है। आईसीजे के फैसले पर भड़का इजराइल, कहा जहां और जब जरूरी होगा करेंगे हमला। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को राफा में जारी हमले अविलंब रोकने का आदेश दिया है लेकिन इजराइल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल के वॉर कैबिनेट मंत्री बेनी गैंट्स ने कहा कि राफा में हमले तत्काल रोकने का सवाल ही नहीं उठता। जब तक हम बंधकों को छुड़ाकर वापस नहीं ले आते तब तक यह युद्ध जारी रहेगा। युद्ध मंत्री ने कहा कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जहां व जब भी जरूरी होगा हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आगे आएंगे। इजराइल ने कहा कि फैसला देने के बाद आईसीजे के जज
चैन की नींद सोएंगे, जबकि 125 इजरायली बंधक अभी भी यातनाएं झेलने को मजबूर हैं। इजराइल को हमास को खत्म करने और सभी बंधकों को वापस लाने में अभी तक बहुत कम सफलता मिली है। मेरठ की मानसी की एनिमेशन फिल्म बनी हुड ने कांस में मारी बाजी, लास्ट एनएफ का तीसरा पुरस्कार जीता। मेरठ की मानसी माहेश्वरी की एनिमेशन फिल्म बनी हुड का जादू कांस में भी छाया रहा। निर्देशक के रूप में उनकी एनिमेशन फिल्म का चयन कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया था। बीती 23 मई को बनी हुड की स्क्रीनिंग कांस में हुई और फिल्म ने लास्ट सिनेफ कैटेगरी में तीसरा पुरस्कार जीता है। इस फिल्म में बताया गया है कि कैसे हम अपनों को सुरक्षित करने के लिए झूठ तक का सहारा लेते हैं, कठिन समय में अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए छल भी व्यवहार में शामिल हो जाता है। इस फिल्म की अनूठी दृश्य शैली एक नया दृष्टिकोण देती है। मेरठ की शुरुआती पढ़ाई के बाद मानसी ने स्टॉप मोशन एनिमेशन की पढ़ाई की। मानसी अभी यूके में एनिमेशन की पढ़ाई पूरी कर रही हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।